नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपी लैपटॉप के। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक एरर मैसेज मिलता है, कूलिंग फैन एरर 90B या फिर 902 जो है वो दोस्तों हमारे सामने आता है, या फिर 908 भी जो है वो दोस्तों एरर कुछ हमारे सामने जो है वो इस तरह से आता है कि दोस्तों आप सिस्टम हैज बीन डिटेक्टेड दैट ए कूलिंग फैन इज नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है वो दोस्तों एंटर दबाते हैं तो स्टार्ट तो दोस्तों हमारी विंडोज हो जाती है, लेकिन दोस्तों कूलिंग फैन एरर होने के कारण दोस्तों हमारा जो है वो लैपटॉप क्रैश कर सकता है या फिर किसी तरह की और इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो दोस्तों हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरह की कुछ खास जानकारी तो दोस्तों अभी के अभी लाइक बटन दबा दीजिए ताकि दोस्तों हम लोग आपको बता सकें कि कैसे जो है वो दोस्तों आप अपने लैपटॉप की इस प्रॉब्लम को जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि ठीक कर ली जाए। उसके साथ साथ दोस्तों वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिया है उसको जरूर जरूर दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर उस बटन को दबाएंगे तभी दोस्तों हम इस तरह की जानकारियां जो आने वाले समय में आपको जो है वो दोस्तों दे सकेंगे। तो दोस्तों मेरे सामने कुछ दिन पहले जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम आई कि दोस्तों मेरा एचपी का लैपटॉप जो था उसका दोस्तों कूलिंग फैन एरर जो है वो दोस्तों वर्क करना बंद कर गया, और मेरे को स्टार्टिंग में जो है वो इस तरह का एरर मैसेज जो है दोस्तों दिया जाने लगा कि दिस सिस्टम हैज बीन डिटेक्टेड दैट कूलिंग फैन इज नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली। तो दोस्तों ऐसे में मुझे प्रॉब्लम महसूस हुई तो मैंने जो है वो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक ही काम किया दोस्तों, वो भी आप भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम को अच्छे से बंद कर दीजिए एक बार, पावर केबल भी हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको एक साइड में जो है वो दोस्तों कूलिंग फैन के लिए जो है वो पोर्ट मिलेगा, जहां से दोस्तों आपकी हॉट एयर्स जो है वो बाहर ब्लो की जाती है आपके कूलिंग फैन के जरिए। तो आप दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से जो दोस्तों जोर से थोड़ी हवा कीजिए अपने मुंह से या फिर दोस्तों ब्लोवर से। जैसे ही दोस्तों आप ब्लोवर से या मुंह से हवा करेंगे दोस्तों आपका कई बार ऐसा होता है कि कूलिंग फैन जो दोस्तों टाइट हो जाता है, तो दोस्तों वो जो है वो उम्मीद है कि वापस जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ सेकंड्स तक या कुछ मिनट्स तक दोस्तों हवा करते रहिए अंदर। ध्यान रखिए आपके मुंह से जो है दोस्तों किसी भी तरह का वाटर या फिर लिक्विड जो है दोस्तों उसके अंदर ना जाए, यानी कि दोस्तों आप जो है वो उसके अंदर स्पिट ना कर पाए। तो दोस्तों ऐसे में आप जो है वो उसके अंदर जोर से हवा कीजिए कि आपका फैन एक बार के लिए घूमने लग जाए। अगर आपका फैन बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लग गया और आप दोबारा से अगर सिस्टम को स्टार्ट करके देखेंगे तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वो एरर जो है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप थोड़े से भी हार्डवेयर के जानकार हैं तो दोस्तों अपने लैपटॉप को ओपन करके एक बार हल्का सा जो है वो फैन को अपने हाथ से घुमा दीजिए, उसके बाद जो है वो दोस्तों ये वर्क करने जो है वो लग जाएगा। अदरवाइज दोस्तों आप बिल्कुल जानकार नहीं है इस चीज के और अगर आपका लैपटॉप नया है तो दोस्तों इसके साथ छेड़खानी करने के बजाय एचपी केयर सेंटर में फोन कीजिए, वो आपके पास होम डिलीवरी या सॉरी सर माफी चाहेंगे दोस्तों, होम डिलीवरी नहीं, वो आपके साथ दोस्तों ऑन साइट वारंटी में जो है वो आपके पास आपके लैपटॉप को ठीक करने के लिए जो दोस्तों पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका लैपटॉप वारंटी से जा चुका है तो दोस्तों आप लोकल में मत दिखाइए इसे, एचपी सेंटर पे ही लेके जाइए। अगर आप हवा या एयर ब्लो करने के बाद आपका जो है वो दोस्तों फैन जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, मेरे साथ प्रॉब्लम थी वो तो दोस्तों मैंने सॉल्व कर ली, वो तो सॉल्व हो गई दोस्तों इजीली जो है वो मैंने उस बारे में जानकारी जो है वो दोस्तों इकट्ठा की और उसके अंदर जो है वो एयर ब्लो करने के बाद मेरा जो है वो दोस्तों लैपटॉप बिल्कुल वर्क करने लग गया। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का एरर मैसेज आए तो दोस्तों आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप जान पाए होंगे कि कैसे जो है वो आप लैपटॉप के कूलिंग फैन एरर का जो है वो दोस्तों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आप जो है वो अगर इसके जानकार नहीं है तो एयर ब्लो करने के बाद आप इसके साथ छेड़खानी के बजाय आप एचपी केयर सेंटर ही जाइए, अदरवाइज दोस्तों आपको किसी तरह का और डैमेज जो है दोस्तों झेलना पड़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों, अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है वो इस वीडियो को शेयर बटन दिया होगा वीडियो के नीचे, आप दोस्तों उसको दबा करके अपने उन दोस्तों के साथ जो दोस्तों इस मैसेज को जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों फेसबुक के जरिए व्हाट्सएप के जरिए जो एचपी लैपटॉप के यूजर हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कभी आपके फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर्स को जो है इस तरह की प्रॉब्लम आए, अगर वो पहले से इस वीडियो को देख चुके होंगे तो दोस्तों तभी की तभी जो दोस्तों इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी कंडीशन, अगर आपका फैन 1 या 2 दिन से ज़्यादा तक समय तक अगर जेम रहता है बंद रहता है दोस्तों और उसके बाद आप जो है वो ब्लो करते हैं हवा,
तो उम्मीद है दोस्तों आपका फैन वर्क नहीं करेगा और ऐसे में आपको सर्विस सेंटर ही जाना होगा। अगर आप तभी के तभी प्रॉब्लम्स होते ही दोस्तों अगर ऐसी काम करते हैं कि आप एयर ब्लो करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिए दोस्तों, और साथ के साथ शेयर भी इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। हमारे साथ इसी तरह दोस्तों बने रहिए कैसे करेंगे.com के साथ, और सीखते रहिए कैसे करें।